हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को बिहार पुलिस वाले जीके जीएस के क्लास में हमारे। तो आज हम शुरू करेंगे जीके जीएस की क्लास। हमारे काफ़ी दिन से रुके हुए थे तो हम लोग रेगुलर रहेंगे, बाकी आप कमेंट नीचे करते रहिए। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो कहता है कि कुछ इस तरह से आपका जो क्वेश्चन है कहता है भारत का प्रथम वायसराय, भारत का प्रथम वायसराय जो था भारत का प्रथम वायसराय जो था वो कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग जो था वो भारत का प्रथम वायसराय था। लॉर्ड कैनिंग की अगर हम बात करें लॉर्ड कैनिंग की अगर हम बात करें तो लॉर्ड कैनिंग लॉर्ड कैनिंग की अगर हम बात करें तो लॉर्ड कैनिंग था वो भारत का प्रथम वायसराय था। कौन था? भारत का प्रथम, भारत का प्रथम वायसराय तो लॉर्ड कैनिंग तो भारत का प्रथम, लॉर्ड कैनिंग जो था वो भारत का प्रथम वाइस रहा है। ऑप्शन नंबर आपका जो दिया हुआ था कई सारे, लॉर्ड कर्जन दिया हुआ था, लॉर्ड डलहौजी दिया हुआ था, विलियम बैटिक दिया हुआ था, लॉर्ड कैनिंग था। तो लॉर्ड कैनिंग जो आपका है वो भारत का प्रथम वाइस रॉय था। भारत का प्रथम वाइस रॉय की बात करें तो लॉर्ड कैनिंग था आपका जो है कि लॉर्ड कैनिंग, जो लॉर्ड कैनिंग है वो लास्ट, मतलब कि लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी है। मतलब कि अगर 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 यूँ कहूँ तो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इसको भी कह सकते हो। मतलब भारत का प्रथम वायसराय था और सबसे लास्ट गवर्नर जनरल की बात करें तो यही होगा। क्या होगा आपका? लास्ट गवर्नर जनरल। लास्ट लास्ट गवर्नर जनरल की अगर बात करें तो वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग ही भारत के लास्ट गवर्नर जनरल हुआ करता था। लास्ट गवर्नर जनरल इसको लिख सकते हो और लिख सकते हो ऑफ INDIA इंडिया लिख सकते हो। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ये था। अच्छा, उसके बाद अगर बात करें तो आपका जो है कि विलियम बैटिक कौन था? तो आपको कि विलियम बैटिक लास्ट गवर्नर जनरल तो वो नहीं था, लेकिन कि वो जो आपका जो है विलियम बैटिक था वो लास्ट गवर्नर जनरल था कहाँ का? बंगाल का था। विलियम बैटिक, क्या उसको नाम है? विलियम बैटिक। विलियम बैटिक जो था, विलियम विलियम बैटिक था वो लास्ट गवर्नर जनरल था। कौन था? लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का। तो अगर हम बात करें कि लास्ट गवर्नर जनरल, लास्ट लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के था, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के था। ये हमारे पास हो गया।
लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। फर्स्ट गवर्नर जनरल की अगर हम बात करें तो फर्स्ट देखो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। लेकिन लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की बात करें तो विलियम बैटिक था। और अगर लास्ट गवर्नर जनरल की बात करें तो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो था, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो था वो यही था। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, क्या आप इस बात से एग्री हैं? एग्री हैं तो ठीक है, ये हो गया आपका जो है। उसके बाद आपका सर डलहौजी, डलहौजी को, डलहौजी जो था वो रेलवे का जनक कहा था। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको लिख दे रहा हूँ, लॉर्ड डलहौजी की अगर बात करें तो लॉर्ड डलहौजी रेलवे का जनक कहा जाता है, रेलवे का जनक कहा जाता है किस चीज का, रेलवे का जनक, रेलवे का जनक है ये, क्या है, रेलवे का जनक है। अच्छा उसके बाद इंडिया में इस इंडिया में इसके व्यापगत सिद्धांत के लिए जाना जाता है। अच्छा डलहौजी को इंडिया में किसके लिए जाना जाता है, तो इंडिया में डलहौजी को व्यापगत सिद्धांत के लिए जाना जाता है। व्यापगत सिद्धांत के लिए जाना जाना जाता, व्यापगत सिद्धांत के लिए जाना जाता। व्यापगत सिद्धांत के लिए जाना जाता उस व्यापक सतारा सतारा को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था। हम व्यापगत सिद्धांत के लिए जाना था, जिसमें व्यापगत सिद्धांत के अंतर्गत, जिसमें कि व्यापगत सिद्धांत के अंतर्गत 1884 ईस्वी में सतारा को ब्रिटिश साम्राज्य से मिलाया था। तो मेरे ख्याल से ये लगभग कंप्लीट हो चुके हैं, तो ये आप स्क्रीनशॉट इसको आप ले सकते हैं। ये है कुछ चीज़ें जो कि आप बिल्कुल इजीली आप इसको उतार सकते हैं। सबसे पहले सुन लीजिए कि लॉर्ड कैनिंग जो आपका तो था, जैसे कि लॉर्ड कैनिंग, तो लॉर्ड कैनिंग जो आपका जो था वो भारत का लास्ट गवर्नर जनरल रहा था। भारत का लास्ट गवर्नर जनरल की अगर हम बात करें तो भारत का लास्ट गवर्नर जनरल की अगर हम बात करें, भारत का प्रथम वाइस राय जो था वो लॉर्ड कैनिंग था। लेकिन भारत का लास्ट गवर्नर, भारत का प्रथम वाइस राय जो था वो लॉर्ड कैनिंग था। भारत का लास्ट गवर्नर जनरल की अगर हम बात करें तो उसके बाद अगर हम बात करें तो आपका जो था वो विलियम बैटिक था। विलियम बैटिक जो था वो प्रथम गवर्नर जनरल था, इंडिया का प्रथम गवर्नर जनरल था, और विलियम गवर्नर जनरल था, और विलियम बैटिक जो था ना वो लास्ट गवर्नर जनरल था बंगाल का। और डलहौजिया के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डलहौजिया जो था वो रेलवे का जनक कहा था, और इसको व्यापगत सिद्धांत के लिए जाना था।
इन्होंने 1848 ईस्वी में 17 में ब्रिटिश साम्राज्य को मिलाने का काम किया था। तो लॉर्ड कैनिंग जो था वो प्रथम वायसराय था और लास्ट गवर्नर जनरल रहा था इंडिया का लास्ट गवर्नर जनरल रहा था, लास्ट लास्ट गवर्नर जनरल रहा था। विलियम बैटिंग के था, तो ये प्रथम गवर्नर जनरल था इंडिया। विलियम बैटिंग था प्रथम लास्ट गवर्नर जनरल रहा था बंगाल का, प्रथम गवर्नर जनरल रहा था इंडिया का, और उसके बारे में तो आपको पता ही है। तो इसके बारे में आपको मेरे ख्याल से कम लेट हो गए होंगे, तो आगे क्वेश्चन को हम लोग देते हैं। चलिए, काले बन यानी कि ब्लैक फॉरेस्ट किस देश में है? तो काला वो आपका जो है जर्मनी में, ब्लैक फॉरेस्ट जो आपका है वो कहाँ है? जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट जो है वो कहाँ? जर्मनी में। ब्लैक फॉरेस्ट की बात करें तो इसमें आपका दे रखा यूएस, तो यूएस और आपका ऑस्ट्रेलिया। यूएस और ऑस्ट्रेलिया का जो मुद्रा है वो कौची है? डॉलर है। यूएसए और आपका जो है वो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का क्या है? डॉलर है। और अगर यू बात करो तो आपका जो यूएसए का डॉलर है और ऑस्ट्रेलिया का जो डॉलर है, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी से निकलता है, और जर्मनी का जो आपका जो है वो करेंसी है वो कहाँ? जर्मनी का करेंसी आपका क्या है? यूरो जिसको हम लोग कहते हैं। जर्मनी का जो आपका जो करेंसी है वो क्या है? यूरो है। क्या है? यूरो है। और अफगान का, और अगर पूछे कि अफगान का क्या है तो अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का है अफगानी, अफगानी है। अच्छा, अगला नंबर हमारा क्वेश्चन, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं विदाउट एनिमेशन मिडल एरर। तो मेरे ख्याल से यहाँ से कंप्लीट कि ब्लैक फॉरेस्ट जो आपका पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है? तो वो जर्मनी पाया जाता है। यूएस और आपका ऑस्ट्रेलिया का करेंसी है डॉलर है, और आपका जर्मनी है, जर्मनी का यूरो है, अफगानिस्तान का अफगानी है। चलिए, बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में होम रूल स्थापना किया था। कहाँ किया था? पुणे में किया था। और मैं आपको बता दूं कि सितंबर 1916 में होम रूल आंदोलन चलाया था कौन? एनी बेसेंट ने चलाया था। तो ये भी साथ साथ आपका कंप्लीट हो गया। चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है कि जिस विदेशी मुद्रा में शीघ्र देशांतर की प्रवृत्ति हो उसे कहते हैं गरम मुद्रा। नमक सत्याग्रह भारत में कब आया था? आप कहोगे नमक सत्याग्रह जो भारत, नमक सत्याग्रह भारत में कब आया था? 1920 में, 1922 में, 1923 में। तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो 1920 में जो हुआ था वो आपका 1920 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम थोड़ी सी ऐड लेते हैं। 1920 की अगर हम बात करें, 1920 की अगर हम बात करें तो 1920 में आपका जो हुआ था वो असहयोग आंदोलन हुआ था। उसके बाद जो हमारा था 1922, 1922 में चौरी चौरा कांड, हत्याकांड हमारे वो। तो यहाँ पे हम आपको लिख देते हैं कि आपका जो 1922 की बात करें तो 1922 में आपका चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था।
क्या हुआ था आपका, जो हुआ था यहाँ पे आपका जो हुआ था वो चौरी चौरा कांड हुआ था। चौरी चौरा हत्याकांड जो आपका जो है हुआ था। उसके बाद अगर ये बात करें तो 1930, 1930 में ही नमक सत्याग्रह हुआ था। उन्नीस सौ तीस की बात करें तो यहाँ पे जो आपका हुआ था नमक सत्याग्रह हुआ था, जैसा कि मैंने आपको बताया। नमक क्या हुआ था, नमक सत्याग्रह जो हुआ था। उसके बाद आपका जो हुआ था वो क्या हुआ था, दांडी मार्च हुआ था। दांडी मार्च जो हुआ था, तो आप इसको बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दे दिया कि 1920 में जो आपका हुआ था सहयोग आंदोलन हुआ था, 1922 में जो हुआ था वो चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था, और 1930 में नमक सत्याग्रह हुआ था, जिसको हम लोग दांडी मार्च भी कहते हैं। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन है कि गांधी गांधी से दक्षिण अफ्रीका मिलने गए थे, गांधी से दक्षिण अफ्रीका मिलने गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, सरदार पटेल। गोपाल कृष्ण गोखले ही गांधी जी के गोपाल कृष्ण गोखले मतलब गोपाल कृष्ण गोखले जी मिलने गए थे, और गोपाल कृष्ण गोखले ही गांधी जी का राजनीति गुरु थे। बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो 1 अगस्त 1920 को 20 और इसी दिन शुरू हुआ था असहयोग आंदोलन, मतलब 1 अगस्त 1920, 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की डेथ हो गई थी, और उसी दिन और उसी दिन गुरु शुरू हुआ था असहयोग आंदोलन। और सरदार पटेल की बात करें तो एकता मतलब कि एकता के सारे रियासतों को विलय करने का काम जो किया था, 542 रियासतों को ये किए थे। तो 539 रियासतें तो आपको अपनी मर्जी से मिल गए थे, लेकिन तीन को नहीं मिल रहे थे, जम्मू एंड कश्मीर, और एक तो हैदराबाद, दूसरा आपका जूनागढ़, लेकिन फिर भी वे मिला रहे थे। फिर अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि कहता कि अशुद्ध कपूर को किसी विधि से किया जाता है, हैबर विधि से, उद्वर्धन विधि से किया जाता है। अगला नंबर आपका जो है क्वेश्चन है, कहता है कि कोशिका व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है, कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है, कोशिकीय आणविक, तो ये आपका स्थित है हैदराबाद में। 5 रुपये करेंसी नोट संप्रदाय और उससे ऊपर की देने की देनदारियाँ है क्या, है भारत सरकार, फिर आपका है RBI, SBI, तो SBI कौन देता, RBI होता। भारत के राष्ट्रपति का अधिकार किस देश के शासन अध्यक्ष के समतुल्य है, तो आपका USA राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर आपका क्वेश्चन है कि लोक संघ सेवा आयोग के सदस्यों को कौन हटा सकता, तो कौन हो सकता, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति राष्ट्रपति तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति नियुक्त कर नियुक्त करता है, और उन्हें हटाने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास ही हमारे पास होता है। चलिए अगला नंबर हमारा क्वेश्चन है कि जो क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि राष्ट्रपति आर्टिकल नंबर 52 से 61 में चर्चा की गई है। तो अगर राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति आपका जो है, राष्ट्रपति की बात करें तो वो आपका जो है वो
बामन से 61 में चर्चा किया गया। और अगर प्रधानमंत्री की बात करें, तो 75 में आपका जो है। और उसके बाद अगर बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष, की बात करें तो वो आर्टिकल नंबर कितना में मौजूद है, तो वो आर्टिकल नंबर 93 में मौजूद है, 93 में मौजूद है। मुख्य न्यायाधीश की अगर हम बात करें तो मुख्य न्यायाधीश, की बात करें तो वो चर्चा की गई कितना में, 124 में की गई है, कितना में, 124 में चर्चा की गई है। राष्ट्रपति 51 से 61 में चर्चा की गई, प्रधानमंत्री 75 में चर्चा की गई है, और लोकसभा अध्यक्ष जो है वो 93 में चर्चा की गई है, जैसा कि आप देख सकते हो। और अगर इसको बात करें तो ये 75 में चर्चा की गई है। तो राष्ट्रपति जो है वो 52 से 61 में चर्चा की गई, प्रधानमंत्री 75 में चर्चा की गई, लोकसभा अध्यक्ष जो है वो 93 में चर्चा की गई, मुख्य न्यायाधीश जो है वो 124 में चर्चा की गई है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे वो ज़्यादा मतलब कि ये कहूँ तो उप प्रधानमंत्री का पद कोई संवैधानिक पद नहीं है, लेकिन अगर पढ़ना है तो आप तो पढ़ ही सकते हैं कि, तो वो कौन थे आपका, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। स्वराज नगर के नाम से किसे जाना जाता है, सरवत नगर के नाम से किसे जाना जाता है, श्रीनगर, रोम, पेरिस, लंदन, किसे जाना जाता है, रोम को। रोम किसकी राजधानी, इटली की राजधानी रोम है। और इटली में जो करेंसी चलती है वो लीरा चलती है। पेरिस में यूनेस्को की मुख्यालय UNESCO, और लंदन में IMO UNECEF। श्रीनगर अशोक ने बसाया था, किसने बसाया था, श्रीनगर जो है वो अशोक ने बनाया बसाया था। और अगर बात करें तो आपका पेरिस, पेरिस जो आपका है, पेरिस जो है वो UNESCO का मुख्यालय। और आपका लंदन, लंदन जो आपका जो है वो IMO, और आपका UNI, उसके बाद है UNICEF, CEF है। और अशोक की अगर हम बात करें तो अशोक जो है वो अशोक श्रीनगर को अशोक ने ही बसाया था। श्रीनगर को अशोक ने बसाया था। उसके बाद अगर बात करें तो रॉक गार्डन की स्थापना किसने करवाया था, रॉक गार्डन की स्थापना किसने करवाया था, तो आप समझ सकते हो कि रॉक गार्डन का कहाँ आपका क्वेश्चन है कि रॉक गार्डन की स्थापना जो है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, एक और हमारे पास जो क्वेश्चन बचा हुआ है वो ये बचा हुआ है, कहता है कि
परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1945, 1940, 1948, 1954। 1940 में आपको पता है कि अगस्त प्रस्ताव आया था 1940 में। तो 1900 आपका जो 1900 अगर हम 40 की बात करें, 1940 में तक आया था अगस्त प्रस्ताव आया था। उसके बाद में आपका जो है कि 1940 में, लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इसको रिजेक्ट किया था। कांग्रेस ने ये जो आया था तब इसको, कांग्रेस मतलब कि इसी को आपका जो है कि कांग्रेस और बात करें तो कांग्रेस और आपका जो है कौन था, मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग कांग्रेस और आपका जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो वो है, उन दोनों ने इसको रिजेक्ट कर दिया था। 1945 की बात करें तो यूएनओ की स्थापना अगला नंबर हमारे क्वेश्चन क्या कहता है कि गॉर्जिया डैम कहाँ पर है? तो कहाँ पर स्थित है, चीन में स्थित है। घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो घनत्व को मापने के लिए किसको किया जाता है, हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर, बैरोमीटर। तो आप नीचे कमेंट में देना, सांड का संबंध गौतम बुद्ध के किस घटना से है? तो सांड का संबंध गौतम बुद्ध के किस किस घटना से है? तो ज्ञान, गृह त्याग, जन्म, मृत्यु। तो ज्ञान से आपका जो है वो, अगर बात करें तो ज्ञान, ज्ञान ज्ञान से पीपल ब्रिज, पीपल ब्रिज का संबंध है। उसके बाद गृह त्याग की अगर हम बात करें तो हमारा जो हो जाएगा वो घोड़ा, गृह त्याग की अगर हम बात करें तो घोड़ा जो आपका उससे संबंधित है। और अगर जन्म की बात करें तो आपका जो हो जाता है वो हो जाता है जा करके बुल हो जाता है, इसको कमल हो जाता है। उसके बाद में हो जाता है आपका आपका जो है वो हाथी हो जाता है। ये सब जो हो जाता है ये हो जाता है आपका। उसके बाद में अगर हम मृत्यु की बात करें तो मृत्यु में आपका जो है अस्तूप आ जाता है, उसको पद चिन्ह आ जाता है। तो ये सब, तो अगर पूछे कि ज्ञान ज्ञान से है तो ज्ञान से आपका पीपल है, गृह त्यागी से है तो गृह त्याग आपका घोड़ा है, जन्म की अगर हम बात करें तो वस्तु, कमल, हाथी, इसमें जन्म से वस्तु, कमल, हाथी, मृत्यु स्तूप है, पद्मा चिन्ह। तो मेरे ख्याल से जितने चीज़ करके जितने चीज़ के आज का कम कोर्स हमारा कंप्लीट होती है। मुलाकात होती है नेक्स्ट टॉपिक में किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।